राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन गुमशुदा हैं। उनकी तलाश करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही पोस्टर नजर आए हैं आज राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में जगह जगह। आपको बता दें कि पिछले कुछ लंबे समय से जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, वे लगातार अपनी समस्याओं को लेकर कुलपति से मिलना चाहते हैं, लेकिन कुलपति राजीव जैन उनको समय नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते इन छात्र नेताओं में खासा आक्रोश है। आज छात्र नेता हरफूल चौधरी के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बड़ी आक्रोश रैली निकाली गई। पहले विश्वविद्यालय परिसर में यह आक्रोश रैली घुमाई गई, उसके बाद छात्र बड़ी संख्या में कुलपति सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए, लेकिन इसके बाद भी कुलपति राजीव जैन ने छात्र पदाधिकारियों से बात नहीं की, जिसके बाद इन छात्र नेताओं ने ऐसा रुख अपनाया जो आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिला। छात्र नेताओं ने बड़े बड़े जो कटआउट थे वह कुलपति सचिवालय के गेट पर लगा दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि प्रोफेसर राजीव जैन, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो गुमशुदा हैं, उनकी तलाश जारी है, यदि वह किसी को मिलते हैं तो इसकी सूचना तुरंत उनके घर पे दे। इसके साथ ही सूचना देने वाले को उचित जो पुरस्कार है वह भी दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुलपति सचिवालय के मुख्य गेट पर एक कुर्सी लगाकर कुलपति राजीव जैन की तस्वीर भी लगा दी गई, साथ ही उसके सामने श्रीमद् भगवद् गीता की जो पुस्तक है वह भी रख दी गई। अब श्रीमद् भगवद् गीता का जो पाठ है वहाँ पर किया गया है कि सद्बुद्धि दे भगवान, यानी कि कुलपति को सद्बुद्धि दी जाए। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनावों का ये महीना शुरू हो चुका है, कभी भी छात्र संघ चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अब राजस्थान विश्वविद्यालय के वो छात्र नेता जो दोनों ही छात्र संगठन या इंडिपेंडेंट रूप से छात्र जो प्रत्याशी खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर अब उन्होंने लगातार अपने विरोध है वह बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो वहीं आज छात्र नेता हरफूल चौधरी ने एक बार ये मैसेज दिया है कि वो भी छात्र संघ चुनाव में अपना दावा ठोकते हुए नजर आएंगे। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने मेरे कुछ मुख्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके अंदर गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन, कॉमर्शियल वॉशिंग मशीन 24/7, कैफेटेरिया, CCTV सर्वेलेंस हो, और जो रिवेल में धांधली हो रही वो बंद हो, कल्चरल सोसाइटीज बने डिपार्टमेंट वाइज। इन कुछ मुख्य मांगों को लेकर मैं विजय साहब के पास ज्ञापन देने गया, मौके पर वो नहीं मिले तो मैं उनके गुमसिदी के पोस्टर लगाए, क्योंकि पिछले 5-7 दिन से वो विश्वविद्यालय में नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रार है, तो हमारा तो कोई भी यहाँ विश्वविद्यालय में है नहीं, छात्र अनाथ होने का घर पे आ गए। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ अगर 1-2 दिन और नहीं आते हैं तो गांधीनगर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं, कहीं उनको कोई अपहरण तो नहीं कर लिया। धन्यवाद हरफूल चौधरी छात्र नेता। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में आज जो तख्तियां लटकी हैं वह चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी छात्र नेता ने कुलपति की तस्वीर को कुर्सी पर रखा हो, उसके सामने भगवद गीता रखी हो, या फिर ऐसे होर्डिंग लटकाए हो जिसमें लिखा हुआ हो कि कुलपति गुमशुदा है, उसकी तलाश की जाए, तलाश करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र राजनीति गर्मा गई है, साथ ही कुलपति जो प्रोफेसर राजीव जैन हैं उनके खिलाफ भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।